कोरोना सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को हुआ है। करीब एक साल के स्कूल बंदी के बाद दोबारा स्कूल खुलने लगे हैं तो फिर एक बार कोरोना संक्रमण वापस लौटा है। बिहार के कैमूर में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। कैमूर के नवोदय विद्यालय में एक छात्र समेत 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें स्कूल के शिक्षक और स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सभी संक्रमित स्कूल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। झारखंड के एक्सलराई कॉलेज को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। झारखंड के जमशेदपुर के एक्सलराई कॉलेज के 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कॉलेज बंद कर हॉस्टल को सील कर दिया गया है। बिहार और झारखंड के बाद पंजाब की लापरवाही देखिए। पठानकोट का सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल चल रहे थे। हालांकि प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो अधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल को बंद करा दिया गया। वहीं डेंगू की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दिन में दिन डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2200 से ज़्यादा यानी डेंगू के मरीज आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 500 से ज़्यादा यानी केस आ चुके हैं डेंगू के, और 80 लोगों की मौत हो चुकी है फिरोजाबाद में। डेंगू और कोरोना का कहर दिन में दिन बढ़ता जा रहा है और यानी केसेस दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर राज्य में डेंगू और कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक उनको स्कूल भेजना नहीं चाहिए। स्कूल को 1 से 12 तक बंद करा देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम डेंगू का भी प्रकोप दिन में दिन बढ़ता जा रहा है।